वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपने रक्षाबंधन मेकअप लुक के साथ। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से मेकअप कर सकते हैं अगर आप गर्मी पे मेकअप कर रहे हैं और आपके भी काफ़ी स्वेट आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ यहाँ पे अपनी बिंदी हटा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मुझे तो काफ़ी नर्वस फील हो रहा था, काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों पे थोड़ा सा क्लचर लगा लिया है और अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना फेस को अच्छे से क्लींस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं टोनर डाल के थोड़ा सा इसमें हवा से थोड़ा सा सुखाऊंगी। तो मेरे सामने फ़ैन नहीं लगा हुआ था, मैंने हाथ से कर रही थी जिससे मेरा ये जल्दी से सूख जाए। तो जब भी आप मेकअप करो तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लेना है, जस्ट उसके बाद अच्छे से आपको टोनर डालना है। टोनर डालने के बाद आपको क्या करना है, एक मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक बेबी मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ममा अर्थ का है जो ये, आप जो भी यूज़ करते हो आप वो ले लो। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ। तो आपको अच्छे से पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइजर्स लगाने से क्या होता है, आपकी स्किन, मतलब आपको स्किन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा मेकअप का। अब यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का एक प्राइमर लिया है, मेकअप प्राइमर, वो मैं लगाऊँगी। तो जहाँ पर आपको काफ़ी स्वेट आता है आप वहाँ पर लगा लो। स्वेट तो देखो गर्मी में आता ही आता है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रिपेयर करें अपनी स्किन को तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। तो जो भी आपका सेट हो आप उस हिसाब से अपना कंसीलर वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंसीलर लगा के पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया है। तो मैंने अपनी सबसे पहले आप अपनी आईज़ का मेकअप स्टार्ट करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई शैडो लिया है, तो मैं सोच रही हूँ जैसे मैं साड़ी पहने हूँ उस टाइप का आई शैडो लगाऊँ। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लिया है जिससे मैं अपनी आईज़ को थोड़ा डेप्थ दूंगी। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप आई शैडो यूज़ करो तो आप उसको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आपका आई शैडो आप कितना भी अच्छा ले लो वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा आपकी आईज़ में। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ग्रीन कलर लगा लिया है जिस तरह की मेरी साड़ी पहनी हुई है उसी टाइप का, क्योंकि मुझे वही साड़ी में अपना लुक देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर रेड कलर लूँगी, तो ये रेड कलर है तो मैं आउटर कॉर्नर पर रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर लूँगी आउटर कॉर्नर में। तो आपको अगर पिंक कलर का ही लगाना हो तो आप पिंक कलर भी लगा सकते हो। तो जितना भी आई शैडो जो गिरा हुआ होता है वो हम ब्रश से क्लीन कर ले रहे हैं, इसीलिए हम नीचे की तरफ थोड़ा पाउडर एक्स्ट्रा डाल देते हैं जिससे क्या होता है जो पाउडर होता है वो आपकी आईज़ के नीचे नहीं गिरता। अब यहाँ पर मैं अपने आईब्रो को डिफ़ाइन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है, तो आपको जो भी पैलेट यूज़ करते हो आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी ब्रश मिलती है मैं उससे नहीं कर रही हूँ डिफ़ाइन, तो मैं यहाँ पे अपनी अलग से एक ब्रश ली हूँ उससे डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आई शैडो लगा ले रही हूँ, सॉरी आई शैडो नहीं, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो किट जो हमारी है, तो ब्रश की हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने एक ब्रोज को अपनी डिफ़ाइन किया है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब मैं दूसरे को कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरी लाइट है तो मैं ब्लैक कलर और ग्रे कलर यूज़ करती हूँ, आप अपना जो भी कलर यूज़ करते हो आप वो ले लो। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाई स्टेप मेकअप करोगे तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा और आपका एक अलग से लुक आएगा कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छे से मेकअप किया है आज। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आईब्रो का ये होता है ना, इस ब्रश से मैं अपने आईब्रो को डिफाइन कर लेती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा लगा होता है ना आपका वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का एक फाउंडेशन है वो मैं अप्लाई करूँगी। तो आपका जो भी सेट हो आप उस सेट को लीजिए। और यहाँ पे मैंने टिप टैप करके जल्दी से, मुझे थोड़ा सा जल्दी में अपने मेकअप को सूट करना है, तो अगर आप जल्दी में हो तो इस तरह से आप अपने हैंड की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से लगा लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ इसी तरह से फाउंडेशन को अच्छे से लगा लिया है और हल्के हाथों से बाद में मैं इस तरह से कर रही हूँ टैप टैप करने के बाद। और यहाँ पर आप पाउडर से अच्छे से सेट कर लो। तो मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर ले रही हूँ, तो ये भी मेरा ब्लू हेवन का है,
अब यहाँ पे मैं पिंक ब्लेस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिंक ब्लेस बहुत पसंद है। अब यहाँ पे मैं कॉन्ट्योर नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने अपने चीक्स में और अपने यहाँ पे चिन पे लगा लिया है, थोड़ा सा नोज़ पे भी उसी ब्रश को हल्का सा वो कर लिया है। अब यहाँ पे मैं रेड लिपस्टिक यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी साड़ी पर रेड कलर ज़्यादा है तो मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ही ली है। वैसे तो आजकल न्यूड लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है बट मुझे डार्क कलर बहुत पसंद है इसीलिए मैं न्यूड लिपस्टिक बहुत ही कम लगाती हूँ, मैं हमेशा डार्क कलर ही चूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिपस्टिक को अच्छे से पहले से कैसे लगाना है, देखिए पहले आपको एक लाइनर जैसे का एक शेप बना लेना है। पहले आप लिप्स को शेप को ड्रॉ कर लीजिए, उसके अंदर फिल करिए। इससे क्या होता है आपकी लिपस्टिक हमेशा परफेक्ट लगेगी। तो इस तरह से मैं हमेशा अपनी लिपस्टिक को लगाती हूँ। ज़्यादातर जब भी आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगाओ या तो आप परफेक्ट हो या तो आप लाइनर, पहले लाइनर लगा लो उसके बाद लिपस्टिक लगाओ। लेकिन मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया लिपस्टिक यूज़ करते करते, तो मेरा ख़राब नहीं होती कभी। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली है। अब यहाँ पे बिंदी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कौन सी लगाऊँ, तो मैंने सोचा आज बड़ी बिंदी यूज़ करती हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर की बड़ी सी बिंदी लगा ली। शायद मेरे फेस पे अच्छी नहीं लग रही थी बट मैंने लगा ली थी कि मैंने बहुत दिनों बाद क्योंकि बिंदी लगाई थी बड़ी सी। अब यहाँ पे मैं अपने हेयर पे कुछ हेयर स्टाइल बनाऊंगी, तो मेरी हमेशा के एवर ग्रीन हेयर स्टाइल है एक, मैं उसको आपको दिखाती हूँ करके। मुझे हमेशा वही अच्छी लगती है, मैं अपने बालों पर कोई भी स्टाइल कर लूँ बाद में मैं चेंज करके वही कर लेती हूँ। तो इसीलिए अब मैंने सोच ही लिया है कि अब मुझे कोई स्टाइल करना ही नहीं है, अब मैं सिर्फ उसी को कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को आगे रखना है मुझे अपने हेयर को। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से बाल को मैं पकड़ के पीछे की तरफ कर दूंगी, तो इससे क्या होगा ये मेरा के स्टाइल क्रिएट हो जाएगा और ये लुक तो मुझे पसंद है ही, कभी इसके लिए मुझे कभी सोचना भी नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ कर लिया है, अब यहाँ पे मैं अपना लास्ट में सेटिंग स्प्रे डालूंगी। तो अपनी आईज़ को आप इस तरह से बंद कर लीजिए, कवर कर लीजिए और बाद में सेटिंग स्प्रे डाल दीजिए। इससे क्या होता है मेकअप आपका थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे सिंदूर के बिना तो श्रृंगार अधूरा है, तो मैं यहाँ पे सिंदूर लगा लेती हूँ जिससे अपने मैंने मेकअप को कम्प्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा सिंदूर हो गया, अब थोड़ा सा बाल को थोड़ा सा और नीचे कर रही हूँ जिससे मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा ना लगे क्योंकि फोरहेड मेरा काफ़ी बड़ा है। तो अब यहाँ पे मैं अपनी एसेसरीज पहनूंगी, तो मैं यहाँ पे अपनी एसेसरीज सेलेक्ट कर रही हूँ कौन सी पहनूँ। तो ये मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ क्योंकि मुझे आज ये मेरा जो गला है ब्लाउज़ का तो बोट नेक है, तो यहाँ पे हमें कुछ गले पे पहनने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सा इयररिंग्स लिया, वो काफ़ी सूट कर रहा था मेरी साड़ी को और मेरे फेस को। मेरे फेस पर मुझे लगता है थोड़ा बड़े इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इस तरह से दोनों मतलब अपने कान पे इयररिंग्स पहन लिया। इयररिंग्स से काफ़ी आपका लुक अच्छा आ जाता है और मुझे इयररिंग्स वैसे भी बहुत पसंद है, मुझे इयररिंग्स बड़े बड़े पहनना बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी साड़ी को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ अपना क्या कहते हैं उसको, अपनी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ सेट कर रही थी। मुझे चूड़ियाँ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इस साड़ी की चूड़ियाँ मैंने खरीदी ही नहीं, जो थी मैंने उसी से काम चलाया। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने ये कड़े यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई चूड़ी समझ में ना आए तो आप क्या करो, जितने भी कंगन है वो पहन लो, उससे आपका लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैंने यहाँ पे कंगन डाल लिया बड़े बड़े से। अब यहाँ पे देखिए मैं चूड़ी पहन रही हूँ अपनी, तो मेरे पास जो चूड़ी थी मैंने उतनी ही पहन ली क्योंकि मैं अपने हाथ पे ज़्यादा चूड़ी वैसे भी नहीं पहनती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डबल कलर की चूड़ियाँ लेके अपना काम चला लिया और बाहर की तरफ बैंगल डाल लिया। तो इस तरह से मेरा लुक कम्प्लीट हो गया। अब मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि मेरा लुक कैसा आया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक है जिसमें मैंने वीडियो बनाने की आपको आईज़ का मेकअप, जो मेरे इयररिंग्स हैं वो मैं अच्छे सूट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.
स्ट्रीट डिक्लेयर एंड टू लर्निंग बॉडी।